नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल सुपर अपडेट्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे लक्ष्य और अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। सबसे पहले जानते हैं अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों सन 2004 में आई एक एक्शन वॉर ड्रामा फिल्म थी। इस फिल्म में अक्षय कुमार, बॉबी देओल, अमिताभ बच्चन, दिव्या खोसला, संदाली सिन्हा, नगमा, कपिल शर्मा, डैनी डेंजोंगपा और आशुतोष राणा नजर आए थे। इस फिल्म को अनिल शर्मा ने डायरेक्ट किया था और इसे प्रोड्यूस भी उन्होंने किया था और इस फिल्म की कहानी शक्तिमान तलवार ने लिखी थी। इस फिल्म को कुल 425 स्क्रीन के साथ 24 दिसंबर सन 2004 में रिलीज किया गया था। अगर बात करें बजट की तो इस फिल्म का बजट 20 करोड़ था और इस फिल्म ने इंडिया में 11 करोड़ 56 लाख का कलेक्शन किया था। आपको बता दूं कि इस फिल्म ने अपने पहले दिन में 1 करोड़ 63 लाख का कलेक्शन किया था तो अपने पहले हफ्ते में 7 करोड़ 19 लाख का कलेक्शन किया था। वहीं अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 20 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था और ये फिल्म डिजास्टर साबित हुई थी। अगर बात करें इस फिल्म के IMDb रेटिंग की तो इस फिल्म को 4.6 रेटिंग मिले और ये फिल्म उस साल की 17th हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही थी। वहीं बात करें म्यूजिक की तो इस फिल्म के लिए म्यूजिक अनु मलिक ने दिए थे और इसके लिरिक्स समीर ने लिखे थे। इस फिल्म में कुल 9 गाने थे और इसके 2 गाने, पहला इसका टाइटल सॉन्ग और दूसरा हमें तुमसे हुआ है प्यार, ये 2 गाने सबसे ज्यादा पॉपुलर हुए थे। तो चलिए फिल्म से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। नंबर 1, अक्षय कुमार ने डायरेक्टर अनिल शर्मा से रिक्वेस्ट किया था कि उनके एक विकलांग फैन को इस फिल्म में लिया जाए और अक्षय के कहने पर ही उनके उस विकलांग फैन को इस फिल्म में छोटा सा रोल दिया गया था। नंबर 2, सन 1964 में आई फिल्म हकीकत में एक गाना था, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, और इसी गाने से इंस्पायर्ड होकर अनिल शर्मा ने इस फिल्म का टाइटल रखा था। नंबर 3, इस फिल्म में बॉबी देओल ने डबल रोल निभाया था। नंबर 4, इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग बॉलीवुड की अब तक की सबसे बड़ी सॉन्ग रही है जिसका समय 20 मिनट का था पर इसे इंस्टॉलमेंट में इस फिल्म में दिखाया गया था। नंबर 5, अमीषा पटेल को इस फिल्म में साइन किया गया था पर कुछ कारण से बाद में उन्हें इस फिल्म से हटा दिया गया था। अब जानते लक्ष्य फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। लक्ष्य सन 2004 में आई एक वॉर एक्शन ड्रामा फिल्म थी। इस फिल्म में ऋतिक रोशन, अमिताभ बच्चन, प्रीति जिंटा, शरद कपूर, ओम पुरी, राज जोशी, सुशांत सिंह, परमित सेट्ठी, बुमन ईरानी, आरव चौधरी, रणवीर शोरे और आदित्य श्रीवास्तव नजर आए थे। इस फिल्म को फरहान अख्तर ने डायरेक्ट किया था और इसे प्रोड्यूस किया था रितेश सिद्धवानी ने और इस फिल्म की कहानी जावेद अख्तर ने लिखी थी। इस फिल्म को कुल 475 स्क्रीन के साथ 18 जून सन 2004 में रिलीज किया गया था। अगर बात करें बजट की तो इस फिल्म का बजट 30 करोड़ था और इस फिल्म ने इंडिया में 24 करोड़ का कलेक्शन किया था। आपको बता दूं कि इस फिल्म ने अपने पहले दिन में 2 करोड़ 30 लाख का कलेक्शन किया था तो अपने पहले हफ्ते में 11 करोड़ 68 लाख का कलेक्शन किया था। वहीं अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 42 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था और ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई थी। अगर बात करें इस फिल्म के IMDb रेटिंग की तो इस फिल्म को 7.9 रेटिंग मिले और ये फिल्म उस साल की 6वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही थी। वहीं बात करें म्यूजिक की तो इस फिल्म के लिए म्यूजिक शंकर एहसान लॉय ने दिए थे और इसके लिरिक्स जावेद अख्तर ने लिखे थे। इस फिल्म में कुल 5 गाने थे और सभी गाने काफी हिट रहे थे। वहीं बात करें अवार्ड्स की तो इस फिल्म के लिए प्रभु देवा को मैं ऐसा क्यों हूं वाले गाने के लिए बेस्ट कोरियोग्राफी का नेशनल अवार्ड और फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। तो चलिए फिल्म से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। नंबर 1, इस फिल्म के फ्लैशबैक सीन्स में ऋतिक रोशन ने विग पहना हुआ था। नंबर 2, जावेद अख्तर ने 14 साल बाद किसी भी फिल्म के लिए स्क्रिप्ट लिखी थी और ये उनकी कमबैक फिल्म थी। नंबर 3, सुशांत सिंह का रोल पहले अर्जुन रामपाल को ऑफर हुआ था पर उन्होंने मना कर दिया था। नंबर 4, ये फिल्म प्रीति जिंटा और ऋतिक रोशन के साथ में आखिरी फिल्म थी। नंबर 5, ऋतिक रोशन से पहले उनका रोल आमिर खान को ऑफर हुआ था पर उन्होंने मना कर दिया था। तो दोस्तों, इन दोनों फिल्मों में से आपको कौन सी फिल्म ज्यादा पसंद आई थी और आप इन दोनों फिल्मों को 5 में से कितनी रेटिंग देना चाहोगे हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसी बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन और फैक्ट्स वाली वीडियो चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।